अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम जावेद खान और आप देख रहे हैं आफ्टर शॉक्स। आज हमारे साथ मरियम बीबी की एक अतना सी कनीज मौजूद है। वैसे कनीज कह लें या काम वाली, बात एक ही है। तो आइए मिलते हैं हिना परवेज भट्ट से। जी तो हिना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। वैसे हिना साहिबा, अगर मैं आपका तारुफ मरियम नवाज की कनीज के तौर पर कराना भूल जाती तो आई डोंट लाइक इट। मुझे पता था आपको अपना तारुफ पसंद आएगा। वैसे भी आप डिजर्व करती हैं ऐसा तारुफ। सुना है आप अपनी तरफ से फैशन डिजाइनर भी हैं और जिमनी इलेक्शन में नून लीग की कंपेन के लिए आपने अपनी लीडरशिप की शक्लों वाले मोजे भी तैयार किए थे। उन मौजों पर किन किन की तस्वीरें थी? मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी थी और मियां शहबाज शरीफ साहब की भी थी। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इकॉनमी को तबाह कर दिया है, लोगों का बुरा हाल कर दिया है, अगर वो वोट मांगने के लिए आवाम के पास जाएं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। अच्छा, वैसे जिस बहादुरी और बेबाकी से मरियम बीबी आके टीवी पे झूठ बोलती हैं, मैंने किसी को इतनी बहादुरी से झूठ बोलते हुए नहीं सुना। क्या झूठ बोलने की टिप्स मरियम बीबी आपसे लेती हैं? मैं मरियम बीबी से जरूर टिप्स लेती हूँ, वो मेरे से टिप्स नहीं लेती। अच्छा, मतलब आप उनसे झूठ बोलने की टिप्स लेती हैं। अच्छा, मैंने सुना है आप एक टीवी शो पे गईं जिसका टॉपिक था कि हिना परवेज भट्ट बगैर मेकअप के बंदरिया लगेगी या बंदरिया मेकअप करके हिना परवेज भट्ट लगेगी। क्या वाकई शो का टॉपिक ये था? वो पूरा टॉपिक ही ये था एंड उस दिन हर टीवी शो का टॉपिक ये था। सुना है आप जहीन भी हैं, चलें आपकी जहानत का टेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर बैठ के। चलें अब मैं आपसे चंद रैपिड फायर क्वेश्चंस करूंगी जिनका आपने जल्द से जल्द जवाब देना है। अच्छा, बतौर वजीर आजम आप शहबाज शरीफ को कितने पॉइंट्स देंगे? बतौर वजीर आजम तो 0 out of 10। और बतौर ड्रामेबाज? 6 out of 10। बड़ी चलाक हैं आप। यही मैंने मरियम बीबी का कहा होता तो आपने 10 out of 10 देने थे उनको। अच्छा, चोर डाकू का लफ्ज सुनकर किस शख्सियत का चेहरा सबसे पहले आपके दिमाग में आता है? नवाज शरीफ साहब हमेशा। वाह, मरियम नवाज को आप क्या मशवरा देंगी? थोड़ा मेकअप कम कर। वजीर इत्तला'आत मरियम औरंगजेब को क्या मशवरा देंगी? मैं उनको कहूँगी कि खुशामदी कम कर। मुल्की इकॉनमी को ठीक करने के लिए इसाक डार को आप क्या मशवरा देंगी? उनको मैं कहूँगी रिजाइन कर। अच्छा, जरा स्क्रीन पे देख के बताएं, इनमें से कौन है जिसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं? जी तो आप बताएं। आई थिंक कोई भी नहीं। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़। वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, आप इतना मेकअप करके मेकअप जाया मत किया करें, लगती आप फिर भी बंदरिया ही हैं। थैंक यू सो मच।